नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने घर बैठे अपने एंड्रॉइड फोन के ऊपर कंप्यूटर सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप कंप्यूटर चलाना सीख सकते हैं अपने फोन के ऊपर ही। दोस्तों अगर आप किसी भी तरह का कंप्यूटर का कोर्स करते हैं, चाहे वो बेसिक कोर्स ही क्यों ना हो, तो आपसे 500 से लेकर 1000 रुपये पर मंथ फीस चार्ज की जाती है। और जो कोर्स आप 10 से 15 दिनों में सीख सकते हैं, वही कोर्स आपको 3 से 6 महीने में सिखाया जाता है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप अपने घर बैठे कंप्यूटर की जो बेसिक जानकारी है वो प्राप्त कर सकें और कंप्यूटर चलाना सीख सकें। तो आइए बात करते हैं कैसे आप उसे सीख सकें। तो सबसे पहले आपको देखिए, ये एक एप्लीकेशन है, ये इंस्टॉल करनी है प्ले स्टोर से, और इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप इसे डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, छोटी सी ऐप है दोस्तों, और यहाँ पर आपको इंग्लिश हिंदी के साथ साथ मराठी का भी एक लैंग्वेज का मिल जाएगा, लेकिन आप इंग्लिश हिंदी में ही सीख लीजिए, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मैं आपको दिखाने के लिए फिलहाल यहाँ हिंदी पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है दोस्तों, मैंने इसको पहले यूज़ किया है आपके लिए, और फिर मुझे लगा कि ये आपको मैं अब बताऊँ, तो इसलिए मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ इन्फॉर्मेशन कि आप किस तरह से कंप्यूटर सीखें। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि कंप्यूटर आखिर है क्या, कंप्यूटर के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देखिए कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का उपयोग क्या क्या होता है, कंप्यूटर से होने वाले नुकसान और कंप्यूटर को इस्तेमाल करते वक्त क्या याद रखें, कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। तो कंप्यूटर से जुड़ी हुई सबसे पहले, क्योंकि हम किसी कोर्स करने को भी जाते हैं, देखिए मैंने भी कंप्यूटर के कोर्स किए हुए, मुझे पता है कि वहाँ पर भी सबसे पहले हमें यही चीज़ सिखाई जाती है, और इसी को सिखाने का एक हफ्ता हमारा बर्बाद कर दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए तो ये हो गए 5 पॉइंट्स। तो पहले सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में हमें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी मशीन को छेड़ते वक्त सबसे पहले उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमें दी जाती है, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटर खरीदते समय आप क्या क्या ध्यान रखें, तो ये आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर का फॉर्मेट कैसे करते हैं, जैसे कि आपने मोबाइल फॉर्मेट, अपना SD कार्ड फॉर्मेट के बारे में सुना होगा, तो यहाँ पर कंप्यूटर को भी फॉर्मेट किया जाता है। तो इसके बारे में आप देखिए सारी चीज़ पढ़ सकते हैं कि कंप्यूटर को क्यों फॉर्मेट करें, ठीक है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी, और उसमें आपको देखिए आपको दिख रहा होगा कंप्यूटर फॉर्मेट करने के लिए ज़रूरी बातें क्या हैं, कैसे फॉर्मेट करें। तो इसमें आपको सबसे पहले कंप्यूटर से जुड़ी हुई जो बेसिक जो चीज़ है, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले आपको वो बताया गया है शुरू के 3 पॉइंट्स में। अब देखिए बात करते हैं चौथे पॉइंट पे, कंप्यूटर शुरू या बंद करना। अब यहाँ पर आपको, अब मान लीजिए आपने कभी कंप्यूटर देखा ही नहीं, तो भी आप इसको देख के कंप्यूटर चलाना सीख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि कंप्यूटर शुरू कैसे करते हैं या बंद कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कितने आपको ऑप्शंस मिलेंगे, कंप्यूटर शुरू करना, ठीक है, कंप्यूटर लॉक और लॉक ऑफ करना, मतलब लॉक इन करना या लॉग ऑफ करना, ठीक है। कंप्यूटर को रीस्टार्ट कैसे करते हैं, कंप्यूटर हाइबरनेट या स्लीप करना, मतलब स्लीप मोड पर कैसे होता है, कंप्यूटर बंद कैसे करते हैं। चलिए मैं कंप्यूटर शुरू करना पे क्लिक करता हूँ। देखिए अब मान लीजिए आप कोई नए इंसान है जो कंप्यूटर चलाना सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए कंप्यूटर आप शुरू कैसे करें, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। देखिए कंप्यूटर का उपयोग करते समय कंप्यूटर को सही तरीके से शुरू या बंद करना चाहिए, इसके लिए विभिन्न उपकरण सुरक्षित किए जाते हैं। कंप्यूटर सुरक्षित करने शुरू करने के लिए सबसे पहले मुख्य स्विच को दबाएं और फिर कंप्यूटर शुरू हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको बटन दबाना भी दिखाया गया है, ठीक है। तो इस तरह से, और कंप्यूटर बंद करना भी आपको यहाँ पे बताया है। ये देखिए, जो अगर आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये क्या मैं बेकार की बातें बता रहा हूँ, लेकिन आप उन लोगों से पूछे जिन्हें कंप्यूटर के बारे में ABCD भी नहीं आती, तो वो कंप्यूटर को देखते ही डरते होंगे कि हम इसे छुएं या ना छुएं। तो देखिए इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि उन्हें भी घर बैठे इसका ज्ञान मिल सके। फिर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंप्यूटर का इंटरफेस, कि जैसे ही कंप्यूटर आप ऑन कर लेंगे कंप्यूटर किस तरह से खुलता है, ताकि कोई घबराए ना। देखिए इस तरह का डेस्कटॉप आता है, सबसे पहले स्क्रीन पे इस तरह से आएगा, ये चीज़ क्या होती हैं, टास्क बार क्या है, उसके अंदर क्या क्या होता है, सारी चीज़ें, माय कंप्यूटर पे आप कैसे जा सकते हैं, ठीक है, सारी चीज़ यहाँ पर लिखा भी होगा, और उसमें आपको फ़ोटोज़ के साथ भी बताया जाएगा कंट्रोल पैनल क्या चीज़ होती है। देखिए सारी चीज़ इसमें आपको बताया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। उसमें देखिए नीचे आपको कंप्यूटर के विभिन्न पार्ट्स, मतलब कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट यूज़ होते हैं, जैसे कि माउस, CD, हार्ड डिस्क, जो भी चीज़ें, यहाँ पर आपको उसके बारे में बताया गया है। फिर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं वो भी आपको इसमें बताया गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस तरह के होते हैं, ये सारी चीज़ें। कंप्यूटर का स्टोरेज क्या होता है, किस तरह की उसमें हार्ड डिस्क या रैम होती है, वो इसमें आपको बताया गया है सारी चीज़ें। और देखिए कंप्यूटर एप्लीकेशन कैसे, और इस एप्लीकेशन, ये बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए देखिए मैंने इस पर क्लिक किया,
सबसे पहले आप जब कंप्यूटर कोर्स करते हैं तो देखिए कंप्यूटर के बारे में बताने में ही आपसे 10-15 दिन ले लिए जाते हैं। उसके बाद आपको MS पेंट ये खोल कर दिया जाता है एक हफ्ते तक चलाने के लिए। यहाँ पर हमारा टाइम बर्बाद किया जाता है दोस्तों। तो देखिए MS पेंट खोल के दे दिया जाता है और उसके बाद हमें बताया जाता है किस तरह से इसमें पेंटिंग करनी है या इस पर ड्राइंग करनी है। तो यहाँ पर सारी चीज़ आपको देखे दिख जाएगी, पेंट शुरू कैसे करना है। सबसे पहले पेंट शुरू करने के लिए स्टार्ट पे क्लिक कीजिए, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे, फिर उसके बाद एक्सेसरीज पे, फिर उसके बाद पेंट के निशान पे क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद जो ऊपर जो टूल्स हैं, टूल्स उनका इस्तेमाल कैसे करना है, पेंसिल इरेज़र जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, देखिए ये पेंसिल इरेज़र ये टूल्स हैं जिसके बारे में आपको यहाँ पर नीचे बताया गया है, ठीक है। तो इस पेंट और इसको ड्राइंग बनाने में ही हमसे हमारा जो 10-15 दिन यहाँ पर हमारे वेस्ट कर दिए जाते हैं, लेकिन आप यहाँ पर हर दिन कुछ नया सीख सकते हैं। उसके बाद नोट पैड, वर्ड पैड, MS वर्ड, कैसे आप MS वर्ड पे काम कर सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं, ठीक है। कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ MS वर्ड पे, क्योंकि सबसे मेन चीज़ तो यही होती है, अगर हमें कोई एप्लीकेशन लिखनी है, कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, कुछ लिखना है, तो यहीं पर आकर हमें MS वर्ड पे ही ज़्यादातर हम काम करते हैं। तो यहाँ पर भी इसमें देखिए MS वर्ड शुरू कैसे करना है आपको, MS वर्ड के लिए स्टार्ट पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम्स पे फिर क्लिक करना है, माइक्रोसॉफ्ट आएगा एक ऑप्शन उस पर क्लिक करना है, फिर MS वर्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको होम टैब के बारे में बताया है, जैसे देखिए दिख रहा होगा आपको ये होम एक आइकन आपको दिखेगा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कट पेस्ट क्या है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा, सारी चीज़ इसके अंदर जितनी भी छोटी छोटी चीज़ होंगी उसके बारे में आपको सब दिखाया गया है। देखिए इंसर्ट टैब आएगा सेकंड, उसमें इंसर्ट पे क्या क्या होता है, कि क्या क्या उसमें पॉइंट्स हैं, क्या क्या उनका काम है, सारा उसमें आपको इसमें बताया। तो आपको सिर्फ करना क्या, आपके पास कोई भी पुराना अगर कंप्यूटर है या ले लीजिए, या किसी के भी दोस्त के पास है या किसी के घर में भी पड़ा हुआ है तो उसको आप देखिए, अगर नहीं भी तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, लिखिए इनको, लिखकर इनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए यहाँ पर इंटरनेट आप कंप्यूटर में कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में सारा बताया गया है, कंप्यूटर में पासवर्ड, कंप्यूटर की भाषा को कैसे इसको सेट करें, और कंप्यूटर में कीबोर्ड के जो शॉर्टकट्स होते हैं वो क्या हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर आप कुछ ही दिनों में यहाँ से कंप्यूटर के जो मेन जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएगी। आपको उसके लिए कहीं पे भी बाहर पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये छोटी इन चीज़ों को सिखाने के ही हमसे 1000 रुपये पर मंथ चार्ज कर लिया जाता है और 3 से 6 महीने आपके बर्बाद कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई, ताकि आप घर बैठे ही अपने मोबाइल पर कंप्यूटर चलाना सीख लें, ताकि आप भी कंप्यूटर का यूज़ कर पाएँ और कंप्यूटर पर काम कर सकें। तो दोस्तों ये वीडियो हमने बनाई है आपके लिए, आपकी मदद करने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने भाई बहनों के साथ भी इसको शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें और बाहर इधर उधर पैसे बर्बाद ना करें अपना। और ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप हमसे और क्या वीडियो चाहते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, या आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान पर टच करके, और उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए, ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।